हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद आयुर्वेद हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वर्ण भस्म के बारे में। स्वर्ण भस्म के पूरे प्रयोगों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि किसी भी समस्या के निदान के बारे में आपको पता चल सके। जिस प्रकार स्वर्ण को सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार शारीरिक रोगों को दूर करने में भी यह बहुत महत्व रखता है। अत्यंत क्षीण अवस्था को प्राप्त मृत प्राय रोगी को भी जीवन शक्ति प्रदान करने की अद्भुत शक्ति स्वर्ण भस्म में पाई जाती है। वैसे तो सभी रोगों में स्वर्ण भस्म से चमत्कारिक लाभ होता है, किंतु राजयक्ष्मा, संग्रहणी, जीर्ण ज्वर, स्नायु दौर्बल्य, नपुंसकता आदि रोगों में स्वर्ण भस्म के बिना रोग आराम होना ही कठिन है। दिल को ताकत पहुंचाने वाली औषधियों में स्वर्ण भस्म का सर्वप्रथम स्थान है। स्वर्ण भस्म का कार्य रक्त को निर्दोष बनाकर हृदय को हृष्ट पुष्ट तथा रक्त वाहिनियों और वात वाहिनियों को सबल करना है। अर्जुन कपूर कुचला, डिजिटेलिस पत्र आदि में जो हृष्ट पुष्ट हृदय को करने के गुण हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न गुण स्वर्ण भस्म में है। यह याद रखना चाहिए कि स्वर्ण भस्म बहुत कम मात्रा में देने से ही उत्तम लाभ करती है, शरीर का ओज और कांति बढ़ाती है। इसकी भस्म स्निग्ध मधुर, कुछ तीखी, शीत वीर्य और रसायन गुण वाली है। पाक काल में मधुर व्रंगण हृदय और स्वर शुद्धि कारक है। स्वर्ण भस्म प्रज्ञा, वीर्य, स्मृति, कांति, ओज को बढ़ाने वाली है। यह टीबी, धातु क्षीणता, जीर्ण ज्वर, हल्की बुखार, बराबर आने वाला बुखार, त्रिदोष, मस्तिष्क की दुर्बलता, पुराना श्वास कास, दाह, पित्त रोग, पित्तज उन्माद, विष विकार, पित्त प्रधान प्रमेह, दृष्टि क्षीणता, दिखाई देने में कमी, प्रदर, नपुंसकता आदि रोगों में इसका प्रयोग करना श्रेष्ठ है। यूनानी मतानुसार स्वर्ण अनुसारणित यानी कि मात दिल बल्य, मन प्रसन्न करने वाला, वाजीकरण किसी भी रोग का शमन करने वाला, हृदय और मस्तिष्क तथा यकृत को बल देने वाला है। मद, पागलपन, शुक्र प्रमेह, नपुंसकता, स्नायु दुर्बल्य, उरक्षत और टीबी की लास्ट स्टेज तक में भी यह विशेष लाभकारी है। सैकड़ों इंजेक्शन और वर्षों से डॉक्टरी चिकित्सा करने पर भी जो रोगी अच्छे न हुए हों, वह रोगी स्वर्ण भस्म युक्त औषधियों के सेवन करने से अच्छे होते देखे गए हैं। श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में भी लाभदायक है। इसके लगातार सेवन से आदमी हृष्ट पुष्ट हो जाता है। शीघ्र पतन और नपुंसकता में इसका प्रयोग बहुत लाभदायक है। अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली, विदारीकंद, कोंच बीज, ताल मखाना, अकरकरा और शिलाजीत के साथ इसका प्रयोग करने के बाद पुरुष कितनी ही स्त्रियों के साथ संभोग कर सकता है। यह वीर्य को गाढ़ा करती है। लगातार धात का गिरना, कितने ही पुराने रोग हो उनको यह बहुत ही आसानी से सही कर देती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाई देने वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लें ताकि अपलोड होने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चल सके।